ये बड़ा सोच समझ के आपको पता है कि सब चीजों को सामने रखते हुए फिर ये फैसले किए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ रखा है, फेडरल गवर्नमेंट को साथ, हर जगह को, सारे सूबे इकट्ठे इस पे बैठे, सो सब ने मिलकर एक फैसला किया। सो आई डोंट थिंक वी शुड क्वेश्चन दैट। पेरेंट्स ने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, हर चीज हुकूमत में नहीं डाल सकते। एक कपड़े का मास्क अगर पेरेंट्स और बच्चे को दे दें, वो रोज धुल के या हर दो दिन के बाद धुल के वो पहना जा सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जब भी आप फ्री चीज देंगे ना कोई भी, वो उसी वक्त जाया कर दे जाएंगे, क्योंकि फ्री चीज की वैल्यू लोग करते नहीं है। सो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मास्क के बगैर बच्चे को भेजेंगे तो हम स्कूल में बच्चों को नहीं आने देंगे। स्कूल्स का अपना बजट है जिसके साथ सैनिटाइजेशन और बाकी सब चीजें होनी है, मगर मैं आपको इतना बता दूं, मास्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम उनको नहीं देना पड़ेगा, स्कूल आवर्स वही रहेंगे। मैं बड़ी सिंपल सी आपको चीज बताता हूं ताकि सबको, मुझे पता बड़े क्वेश्चन इसमें मुझे भी आ रहे हैं जी। 50% स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं वो 20 बच्चे आएंगे मंडे को, और जो बाकी 20 बच्चे हैं वो ट्यूजडे को आएंगे, फिर जो मंडे वाले 20 बच्चे हैं वो वेंसडे को आएंगे, जो ट्यूजडे वाले 20 बच्चे हैं वो थर्सडे को आएंगे। इस तरह 6 डे क्लास पीरियड होगा, 6 डेज होंगे। इसके लिए हमने इसलिए डबल शिफ्ट नहीं की क्योंकि देखें आपको नहीं पता लगेगा कि कब क्लासें खाली हो रही हैं, कब नए बच्चे आ रहे हैं, स्कूल खाली हो गया पहली शिफ्ट से कि नहीं हुआ। कई पेरेंट्स सुबह ही अपने बैंस में बच्चों को भिजवा दें कि जी आप दोनों क्लासें अटेंड करके आना, तो फिर भी रश कम नहीं होगा। सो देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स उसके अंदर, जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, हमें ऑल्टरनेट डे पे करना चाहिए। सर हमने सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह ताला मंडे तक ये सब टीचर्स के पास पहुंच जाएगा। हमने साइंस और मैथ और जो जरूरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने सिलेबस को कंडेंस किया, और जो प्रायोरिटीज बच्चों की इस वक्त होनी चाहिए हमने वो सामने लेकर आए हैं। उन्हीं के हिसाब से हमने असेसमेंट्स बनाई हैं जिसपे एग्जामिनेशन वगैरह सब चीजें होंगी। सो इस सारी चीज के साथ मैं आपको अवैस प्लीज एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, इसमें हम सब ने मिलकर अपना पार्ट प्ले करना है, क्योंकि ये पहली दफा एक चीज हुई है, पहली दफा सब कुछ करने जा रहे हैं। टीचर्स ने अपना पार्ट प्ले करना है, पेरेंट्स ने अपना पार्ट प्ले करना है, गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले करना है, प्राइवेट स्कूल ने अपना पार्ट प्ले करना है, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। तो दोस्तों ये थे कुछ सवालात नाज़रीन के जो स्कूल खुलने के हवाले से आप भी लोग पूछ रहे थे। इन तमाम सवालात में से ज़्यादातर सवालात का जवाब जो है सूबाई वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने खुद जो है वो जवाब दे दिए हैं। सिलेबस के हवाले से उन्होंने बताया है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही सिर्फ पढ़ाई जाएंगी, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो कम कर दी जाएंगी, और मंडे तक सिलेबस जो है वो तमाम स्कूलों में भिजवा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि डबल शिफ्ट का हमने इसलिए फैसला नहीं किया क्योंकि डबल शिफ्ट जो है वो मैनेज नहीं होनी थी, ऐसे ही स्कूलों में रश जो है वो पड़ा रहना था, तो इसलिए एक दिन क्लास हुआ करेगी और अगले दिन उन बच्चों को जो है वो छुट्टी हुआ करेगी, जो रह गए हैं बच्चे वो अगले दिन आएंगे और जो पहले दिन आए थे वो फिर तीसरे दिन आएंगे। इस तरह से स्कूलों में बारी बारी जो है वो बच्चे बुलाए जाएंगे। मास्क के हवाले से उन्होंने बताया है कि मास्क प्रोवाइड करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स ही मास्क प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नहीं मिलेंगे। तो ये बातें थी जो कि वजीर स्कूल एजुकेशन ने बताई हैं। सिलेबस के हवाले से मैंने एक महीना पहले ही आपको बताया था कि सिलेबस जो है वो कम हो रहा है, तो अभी हर तरफ से इसकी कंफर्मेशन जो है आ रही है, जैसे ही सिलेबस आएगा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा उसकी तमाम अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।